हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। दिस इज पार्ट थ्री ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीरीज। हाय, आई एम शिवम पांडे, एंड जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल एंड टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, इस पर हम आपको रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ, हमने DU LLB, BHU LLB एंड ऑल 3 ईयर LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी है और ये क्लासेस केवल 5,999 रुपीज की है। बहुत ही अफोर्डेबल है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1995। तो 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1995 के आने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि इंदिरा सोहाने वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन इन प्रमोशन इस पॉलिसी को स्टक डाउन कर दिया था। इस चीज को टैकल करने के लिए पार्लियामेंट 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आया जिसके थ्रू दे प्रोवाइडेड रिजर्वेशन इन प्रमोशन इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर SCs, दैट इज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को नलीफाई कर दिया। बाद में ये चैलेंज होता है एम नागराज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज द 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये चैलेंज होता है एम नागराज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट इसको अपहेल्ड कर देता है। इसके तहत 16(4)A जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट इज 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000। 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैरी फॉरवर्ड रूल से रिलेटेड था। कैरी फॉरवर्ड रूल का मतलब ये था कि मान लीजिए 2000 एंड 2001, सो 2000 में कुछ वैकेंसीज निकलती हैं किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल में, मान लीजिए रेलवेज में वैकेंसी निकलती है और इसमें जो 10 वैकेंसीज थी SC की वो फिल नहीं हो पाती हैं, तो कैरी फॉरवर्ड रूल के हिसाब से क्या था कि अगले साल जब 20 वैकेंसी निकली हैं और पीछे की जो 10 वैकेंसीज बची हुई हैं SC की, मतलब 20 वैकेंसीज शेड्यूल कास्ट की निकली हुई हैं और पीछे 10 वैकेंसी बची हैं, तो ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, टोटल वैकेंसी अगले साल 30 हो जाएगी। सो दिस वॉज कैरी फॉरवर्ड रूल। तो जो कैप लगाया गया था इंदिरा सोहाने के केस में 50% का, उस सीलिंग को हटा दिया जाता है और ये केवल कैरी फॉरवर्ड रूल में ही हटाया जाता है। मतलब कैरी फॉरवर्ड रूल के हिसाब से अगर कोई वैकेंसी पहले की बची है तो उस हिसाब से ये सीलिंग का जो है बार है वो हटाया जाता है, अदरवाइज ये सीलिंग मेंटेन रहती है। और 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कैरी फॉरवर्ड रूल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसके थ्रू क्या किया जाता है कि कंसिडर की जाती है जो पहले की अनफिल्ड वैकेंसीज थी रिजर्वेशन क्लास की, उसको अलग से वैकेंसी में कन्वर्ट करते हुए उसको एड ऑन कर दिया जाता है। This 81st Constitutional Amendment Act was also challenged in M. Nagaraj versus Union of India में, और इसमें भी Supreme Court इस Constitutional Amendment को upheld कर देता है। And this 81st Constitutional Amendment Act ये clause 4B को add on करता है Indian Constitution में। Now 85th Constitutional Amendment Act, 85th Constitutional Amendment Act भी कहीं ना कहीं reservation से ही related था। ये बात करता था consequential seniority की। Consequential seniority का मतलब क्या है कि पहले क्या होता था कि अगर कोई जनरल कैंडिडेट है और कोई रिजर्व कैंडिडेट है, तो मान लीजिए रिजर्व कैंडिडेट पहले प्रमोट हो गया, उसके बाद जनरल कैंडिडेट प्रमोट हो रहा है, तो जो जनरल कैंडिडेट था भले ही उसके बाद प्रमोट हो जाए लेकिन सीनियर जो होगा जनरल कैंडिडेट होगा। लेकिन कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के थ्रू क्या किया गया कि अगर रिजर्व कैंडिडेट पहले प्रमोट हो रहा है और जनरल कैंडिडेट बाद में, तो जो सीनियरिटी होगी वो रिजर्व कैंडिडेट की ही होगी भले ही उसने प्रमोशन जो है उसका रिजर्वेशन के थ्रू ही उसको प्रमोशन क्यों ना मिला हो। सो दिस वाज आल्सो चैलेंज्ड इन एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये तीनों ही एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में चैलेंज हुए थे और इन तीनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था। नाउ कमिंग टू 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 ये एजुकेशन से रिलेटेड था। This was related to education, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A को एड किया जाता है जो एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। इसके साथ साथ आर्टिकल 45 जो है वो एड ऑन किया जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, और 45 बात करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर की, अर्ली चाइल्डहुड केयर इसकी बात करता है, मतलब 6 साल से कम जो बच्चे हैं उनके अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करता है। एंड क्लॉज 6 ऐड किया जाता है आर्टिकल 51A में, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज में 51A में क्लॉज के ऐड किया जाता है, विच वॉज 11th फंडामेंटल ड्यूटी, जिसके तहत पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो अपने चिल्ड्रंस को कहाँ भेजें, स्कूल भेजें। सो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज रिलेटेड टू एजुकेशन एंड आर्टिकल 21A विच इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट टू एजुकेशन इसको एड ऑन किया जाता है।
91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. दिस अमेंडमेंट एक्ट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक कैप लगा दिया गया नंबर ऑफ मिनिस्टर्स में कि कितने मिनिस्टर्स होंगे. अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं, सो टोटल मिनिस्टर 15% होंगे ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लोअर हाउस दैट इज लोकसभा. एंड अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इसमें भी टोटल मिनिस्टर 15% ही होंगे ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लोअर हाउस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट दैट इज विधानसभा. सो इस 15% मिनिस्टर में प्राइम मिनिस्टर इंक्लूड होंगे अगर हम सेंटर की बात करें, और अगर हम स्टेट की बात करें तो इसमें चीफ मिनिस्टर इंक्लूडेड होंगे. सो 15% कैप की बात करता है ऑन द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर बाय 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट था. इसके साथ साथ ये बात करता है कि अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी मेंबर डिफेक्शन के थ्रू डिस्क्वालीफाई होता है, डिस्क्वालीफाई कैसे होता है, थ्रू एंटी डिफेक्शन. अगर मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कूद के जाता है और डिफेक्शन के थ्रू डिस्क्वालीफाई होता है, तो वो दूसरी पार्टी में एज अ मिनिस्टर मतलब दूसरी गवर्नमेंट में मिनिस्टर अपॉइंट नहीं हो सकता जब तक वो दोबारा चुन के ना आ जाए. सो ये चीज भी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस की गई थी. एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो किया गया था वो 10th शेड्यूल में किया गया था, जिसके तहत पहले क्या होता था कि अगर 1/3 आपकी पार्टी के लोग वो टूटकर दूसरी पार्टी में चले जाएं, पार्टी टू में चले जाएं, 1/3 आपकी पार्टी के लोग, तो क्या होता था कि आप इनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते थे. और एंटी डिफेक्शन लॉ जो था, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये इसमें अप्लाई नहीं होता था इस केस में 1/3 की स्प्लिट में. लेकिन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या किया गया, 10th शेड्यूल में संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया, और जो स्प्लिट था, स्प्लिट ऑफ 1/3 मेंबर जिसके तहत डिफेक्शन नहीं होता था, इस 1/3 को अमेंड कर दिया गया. और अब अगर 1/3 मेंबर भी स्प्लिट होके जाते हैं तो उनका डिफेक्शन हो सकता है. तो 1/3 जो एक्सेप्शन था 1/3 मेंबर का, इसको डिलीट कर दिया गया बाय 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कमिंग टू 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोडो, डोगरी, मैथिली एंड सांथाली, इनको एड ऑन करता है 8th शेड्यूल में. 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बात करता है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस की. सो ऑफिशियल लैंग्वेजेस में 4 नई लैंग्वेजेस एड ऑन होती है, दैट इज बोडो, डोगरी, मैथिली एंड सांथाली. 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आया जाता है. इनामदार केस था 2005 का, जिसमें जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसमें रिजर्वेशन को स्टक डाउन कर दिया गया था. और ये कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, रूल दैट स्टेट कैन नॉट इम्पोज रिजर्वेशन पॉलिसी ऑन माइनॉरिटी एंड नॉन माइनॉरिटी प्राइवेट कॉलेजेस. आप माइनॉरिटी या नॉन माइनॉरिटी प्राइवेट कॉलेजेस में रिजर्वेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते. ये इनामदार केस में कहा गया था 2005 में. इस चीज को टैकल करने के लिए जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर आया था एक 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर. और इसमें क्या कहा गया कि स्टेट के पास स्पेशल प्रोविजन बनाने की ताकत है, और इस प्रोविजन के थ्रू वो बैकवर्ड क्लासेस दैट इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SCs एंड ST को किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो प्राइवेटली एडेड क्यों ना हो, उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर सकता है. और इसके तहत क्या हुआ, आर्टिकल 15(5) का इंट्रोडक्शन होता है बाय 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट. हमारा जो DPSP है, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो बात करता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी की. और इसके तहत क्या होता है कि कोलिजियम सिस्टम के थ्रू हमारे जजेस का रिक्रूटमेंट होता है. तो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू क्या लेके आया गया, NJAC को इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन. और इसके तहत ये कहा गया कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट NJAC के थ्रू होगा. एंड इसने फिर क्या किया कि कहीं ना कहीं जो एग्जीक्यूटिव का रोल है उसको जुडिशियरी में कहीं ना कहीं इम्पोज किया जाने लगा, के लिए ये अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया. सो क्या होता है बाद में, ये अमेंडमेंट 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज होता है, और सुप्रीम कोर्ट इस 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्टक डाउन कर देती है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे देती है. एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज रिलेटेड टू NJAC, दैट इज जुडिशियल अपॉइंटमेंट, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, और जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड था ये. Now, 100th Constitutional Amendment. 100th Constitutional Amendment was related to transfer of territory between
इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो कुछ सर्टेन टेरिटरीज थी उनके ट्रांसफर को लेके ये 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, और इसको हम बोलते हैं लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ऑफ 1974 एंड इट्स प्रोटोकॉल ऑफ 2011। सो इसमें क्या था कि कुछ हमारी टेरिटरीज जो थी वो बांग्लादेश में थी और बांग्लादेश की कुछ टेरिटरीज यहाँ पे थी, तो हमने उसके थ्रू क्या किया गया, जो बांग्लादेश की टेरिटरीज हमारे यहाँ थी उसको हमने एक्वायर कर लिया, और जो बांग्लादेश हमारी टेरिटरीज बांग्लादेश की नहीं थी उसको बांग्लादेश को दे दिया, तो ये ट्रांसफर हमने कर दिया। दिस वॉज 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नाउ 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2017, अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट, ये जीएसटी से रिलेटेड था, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देन 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इट वॉज रिलेटेड टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है, जो 10% रिजर्वेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, जॉब्स हो, हर जगह इसको प्रोवाइड किया जाता है। सो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज रिलेटेड टू रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दिस वाज रिलेटेड टू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी सीट्स इन लोकसभा। पहले क्या होता था कि दो सीट्स जो होती थी लोकसभा में वो एंग्लो इंडियंस को दी जाती थी, मतलब जो अंग्रेज भारत में ही रह गए उनको दो सीट्स उनके फैमिली को दी जाती थी, लेकिन 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया, ये जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की जो सीट थी लोकसभा में इसको रिमूव कर दिया गया। नेक्स्ट एंड लास्ट इज 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2017। सो 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि जो रिस्टोरेशन ऑफ पावर हुई, रिस्टोरेशन ऑफ पावर ऑफ SEBC, दैट इज यूनियन टेरिटरी और स्टेट स्टेट गवर्नमेंट जो थी, रिस्टोर की गई उनकी पावर की वो अपने स्टेट में इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, दैट इज सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वो अपने हिसाब से बता सकते हैं कि कौन सी कम्युनिटी वीक है और कौन सी स्ट्रांग है, और जो कम्युनिटी उन्हें वीक लगेगी उसको वो रिजर्व्ड कैटेगरी में डाल सकते हैं, और अब ये पूरा अधिकार स्टेट गवर्नमेंट या फिर पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी का है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड दैट्स फॉर ऑल फॉर आर अमेंडमेंट सीरीज, थैंक यू सो मच।